सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त इशिता एंड आज का आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं जा रही हूँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। IGMC में एडमिशन लेने से पहले मैंने अपने जो घर के पास कॉलेज है, ग्रेजुएशन कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बिलासपुर में, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था एंड काफ़ी फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर बने थे एंड जब से मैं IGMC गई हूँ तब से मैं फ्रेंड्स से मिली ही नहीं हूँ। तो आज हमने गेट टुगेदर प्लान किया हुआ है, तो आज हम सारे एक साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। सो आज का वीडियो बेसिकली है गेट रेडी विद मी, मेरे साथ तैयार होना है एंड कैसे मैं रेडी होती हूँ, बस वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। और अपने फ्रेंड से भी मिलूंगी लेकिन वो चीज़ मैं शूट नहीं करूँगी बिकॉज अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगी तो वहाँ पे मस्ती ही करूँगी। हाँ, अगर टाइम मिला तो आई विल श्योरली शूट दैट थिंग ऑल्सो, बट हाँ अभी मैं सुबह बस उठी हूँ और अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आपसे आके मिलती हूँ। नया काम तो हो चुका है, वैसे भी सर्दियों का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो रेडी होने के लिए मैंने एक कुछ ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट करी है। ड्रेस तो क्या मतलब, मैंने मिक्स एंड मैच किया है, सो देखते हैं कि वो वर्कआउट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो मिक्स एंड मैच में मेरे पास ये वाला स्वेटर होने वाला है, ठीक है। ये मैंने अपनी लोअर मार्केट से ही लिया है, शिमला में लिया था, तो ये मैंने सोचा है कि ये शायद इसका अपर होने वाला है एंड नीचे से मेरे पास एक स्कर्ट थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, तो ये स्कर्ट शायद नीचे से एंड विद लॉन्ग शूज ये कंप्लीट होने वाला है। तो पहले हम इस लुक को कंप्लीट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ये लुक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो गाइस, दिस इज द आउटफिट। ये मैंने स्वेटर अलग से ले रखा है, ये स्कर्ट अलग है एंड ये मैंने ब्लैक शूज तक पेयर किए हैं। रेड वाले शूज थे बट वो सब जा नहीं रहे हैं, तो मैंने ब्लैक शूज तक पेयर किए। अब मैं थोड़े से अपने बालों का थोड़ा कुछ कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद फाइनल लुक देखती हूँ। तो गाइस, बालों का तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा क्योंकि बालों के साथ मैं इतना कुछ करती भी नहीं हूँ, बट हाँ मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रेट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नॉर्मल से पैकेट, थोड़े से सुलझे से बाल लगे, ज़्यादा बिखरे बिखरे ना लगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करूँगी, ज़्यादा भी नहीं क्योंकि बाल ऐसे ही ठीक है, थोड़े से ही बाल है मेरे सिर में, वो भी कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल स्ट्रेटनिंग नहीं करूँगी कि सारे बाल स्ट्रेट हो जाएं, बस ये कि थोड़े थोड़े जो फ्रिजेज हैं वो बैठ जाएं, बस नॉट टू मच। तो मैं ऑलरेडी हूँ, मेकअप मैं थोड़ा काजल कुजल लगा लूँगी थोड़ी देर में अगर मुझे लगा, वैसे मेरी आईज में पेन हो जाता है कई बार स्टार्ट, तो मैं नहीं लगाना चाह रही हूँ। बट हाँ, लास्ट में मैं परफ्यूम की जगह ये यूज़ कर रही हूँ, ब्लू नेक्टर का बॉडी स्प्रे एंड इट्स अ वेरी गुड बॉडी स्प्रे। ये इसमें है नर्गिस बॉडी मिस्ट है एंड इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों को परफ्यूम से प्रॉब्लम है या हेडेक शुरू होता है या फिर वॉमिट आने का मन होता है, पर्सनली मुझे ऐसा होता है, तो मैं इस बॉडी मिस्ट को यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो नहाने के बाद आप उसको पूरी बॉडी में स्प्रे कर सकते हो, काफ़ी हाइड्रेट रखता है आपकी बॉडी को, एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आपकी बॉडी से चली रहती है एंड अभी मैं जाते जाते परफ्यूम की जगह बस इसको अपने पल्स पॉइंट्स पे ही स्प्रे करूँगी, लाइक अपने रिस्ट पे एंड अपनी ईयर के पास और आपके नेक के पास, बस दैट्स इट। और जैसे ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा यू नो कूल आपको फील होगा और इसको लगाने के बाद हाइड्रेटेड आपकी बॉडी रहती है एंड एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस आपको फील होती है। सो या आई जस्ट गो विद इट। अगर आपको ये लेना हो तो आप भी खरीद सकते हो, मैंने ये अमेजोन से परचेज़ किया था, तो आप भी चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ऐसे गेट टुगेदर्स में जा रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन केस आप परफ्यूम से ज़्यादा अवॉइड करते हो परफ्यूम्स लगाना। तो मैं बहुत ही सिलेक्टेड परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है परफ्यूम्स को यूज़ करके, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस बॉडी मिस्ट एंड इसमें एक वॉर्म्थ बहुत ज़्यादा फील होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है टू बी ऑनेस्ट। सो यार, ये तो था इसको लेके, बट अभी मेन आता है हमारा फाइनल लुक। तो ये मेरा फाइनल लुक है एंड मेकअप का मेरा इतना नहीं है क्योंकि मुझे काजल से थोड़ा आई पेन शो जाता है, इसलिए मैं काजल वगैरह कुछ नहीं लगा रही, जस्ट द इयररिंग्स एंड द ड्रेस एंड एक ब्लैक बैग साथ में कैरी करूंगी। सो आई जस्ट टेल माई फाइनल ब्लैक बैग साथ में आई थिंक अच्छा जाएगा क्योंकि मेरे शूज भी ब्लैक है एंड दिस इज गोइंग वेल। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे जरूर बताना। सो यार, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अब मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, चलना ठीक है, गुड बाय।